दोस्तों, एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी मेरी तरह स्कूल से बिलोंग रखते हैं अथवा आपको स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैं तो भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम बच्चे को लेकर पहली बार स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्कूल का एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरा जाता है, ज़्यादातर ये पेरेंट्स या स्टूडेंट के द्वारा भरा जाता है, टीचर का स्टाफ भी इसमें, स्कूल का स्टाफ भी आपको काफ़ी सहयोग करता है, परंतु स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आपके पास क्या क्या मेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आपका ये स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरने में वहाँ के स्टाफ को अथवा आपको आने वाली परेशानी से बचाया जाए। तो इस तरह से हमारे स्कूल का एडमिशन फॉर्म, इसको मैं आपको बैक कैमरे में ला करके पूरा डिटेल दिखा दूंगा। उससे पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। आपके पास तीन मेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चाहे आपका सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो। स्कूल है, एक आता है बच्चे का आधार कार्ड, नंबर दो आता है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, नंबर तीन में आती है बच्चे के बैंक की पासबुक। आमतौर पर बच्चे की पासबुक की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपका गवर्नमेंट स्कूल हो, क्योंकि बच्चे के पैसा, चाहे उसके यूनिफॉर्म का पैसा हो, कापी किताब का पैसा हो, आजकल टैब वगैरह का पैसा, अलग अलग जो भी इसको बेनिफिट मिलते हैं अकाउंट में ही मिलते हैं। इसके अलावा हमें बच्चे के पासपोर्ट साइज फ़ोटो की भी ज़रूरत होती है जो हमें फॉर्म में पेस्ट करना होता है। होता क्या है, जब हम स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो कई बार स्पेलिंग में कन्फ्यूजन होता है। अगर आपका अंग्रेजी स्कूल है तो उसमें कई सारे नाम ऐसे होते हैं जिनके हिंदी का प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है लेकिन अंग्रेजी में उनका उच्चारण अलग अलग होता है। इससे बचने के लिए ये जरूरी है जब भी आप स्कूल जाते हैं तो जीरोक्स कॉपी ले लें अथवा स्कूल के स्टाफ को उनका व्हाट्सएप का इमेज भी आप भेज सकते हैं ताकि स्कूल स्टाफ को आपका डिटेल फिलअप करने में आसानी हो। क्योंकि अगर आपके बच्चे का एक बार नाम गलत आ गया, डेट ऑफ बर्थ गलत आ गया, कई बार होते होते हाई स्कूल तक का उसी तरह से आता है और बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता। अगर परिवर्तन करना भी पड़े तो उसके लिए काफ़ी आपको भागदौड़ करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए ये जरूरी है कि आपके सामने स्कूल फॉर्म भरते समय जो मैंने बताया था आधार कार्ड को सामने रख लें, उस पर जो बच्चे का नाम है सेम टू सेम वहीं भरा जाए। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी कागज़ है उसको एज इट इज उसी तरह से भरा जाए। इसको फिलअप करने के लिए आप लाल रंग की स्याही का इस्तेमाल नहीं कर, आप ब्लू कलर अथवा ब्लैक कलर के बॉल पेन अथवा किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें फॉर्म पे आ गए हैं। इसके एकदम राइट हैंड साइड में स्टूडेंट की फोटो यहाँ पर लगती है। आपके पास जो भी स्टूडेंट की फोटो हो वो यहाँ पर पहले या बाद में कभी भी अपने हिसाब से इसको इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। कब आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे डेट आती है 25, ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। आप ये महीने 5 को केवल 05 ही लिखा जाएगा, 5 में लिखा जाएगा। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर आता है, अगर बॉय है तो छात्र आएगा, अदरवाइज छात्र आएगा, जो भी आपके हिसाब से हो। छात्र का नाम यहाँ पर आ जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा जाता है, जैसे आपके आधार कार्ड में होता है अथवा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसी के अनुसार आप इसे, यही नाम आपको अंग्रेजी में आधार नंबर होगा, आप यहाँ पे इस तरीके से आधार नंबर लिख देंगे। फादर का नाम, ओके, उनका ऑक्यूपेशन आएगा इसमें क्लियरली नेम है, और पूरा एड्रेस आएगा, जो भी आपका जनपद, मोबाइल नंबर सहित हिंदी और अंग्रेजी ये भी दोनों भाषा में लिखना होगा। अगर कोई यहीं पर पैदा हुआ है तो वहां पर आएगा जन्म से बाई बर्थ, किसी अदर स्टेट में है तो कितने समय से रह रहा है वो यहाँ पर डिटेल इस तरीके से लिखा जाता है। जो भी आपका है आप उस इस आधार पर इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगला कॉलम है इसमें छात्र छात्रा की जन्म तिथि, अभी इस विद्यालय में इससे पहले शिक्षा पाई है, अगर हाँ तो किस वर्ष में और किस कक्षा में। हमारे लिए स्टूडेंट जो है दूसरे स्कूल से आए हैं इस पर हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। ये सारे कुछ नियम होते हैं, 3-4 नियम है। इसके नीचे आपको यहाँ पर स्टूडेंट के यहाँ पर साइन हो जाएंगे, जो भी आपका स्टूडेंट है आपके वहां पर साइन हो जाते हैं।
साथ ही इसका यहाँ पर आपके स्टूडेंट के साइन हो जाते हैं। अब इसके बाद इसके मम्मी पापा पेरेंट्स जो भी आपको स्टूडेंट को लेके आए हैं उनके साइन यहाँ पे होंगे। मैं प्रमाणित कहता हूँ कि ये सूचनाएं ठीक हैं, मैंने ये सारी चीज पढ़ ली है। अगर मेरे बच्चे का इस मिसबिहेव करता है तो ये जो भी स्कूल की तरफ से पनिशमेंट होगा वो मुझे मान्य होगा। अथवा हमारे यहाँ कहता अगर कोई स्टूडेंट एबसेंट रहा तो उससे फाइन भी लिया जाता है। ये भी इसमें क्लास टीचर को दी जाती है, ऐसा आ जाएगा। अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आप वाई लिख देंगे, यहाँ पर नहीं आ जाएगा। यहाँ पर सिग्नेचर आए थे, प्रिंसिपल सर के ज्यादातर सिग्नेचर होते हैं, अदरवाइज कोई भी क्लर्क वगैरह भी यहाँ पर सिग्नेचर कर लेता है। जैसे कई बार मैं इस पर सिग्नेचर कर लेता हूँ, अथवा जो अरेंजमेंट में टीचर ले रहा है तो वो यहाँ पर आएगा, उस आपके प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि इसमें इसके हिसाब से हमें अपने अटेंडेंस रजिस्टर में भी चेंज करने होते हैं। जो स्टूडेंट आपके पास आए हैं इस हिसाब से इससे आपको पैसा लेना है। ये पैसा आपका अलग अलग हिसाब से अलग अलग होता है। जो भी आपका मैंने पिछला वीडियो बना रखा आप उस पर लिंक में जाकर क्लिक कर सकते हैं। 1800 रुपये हमें उनके स्काउट गाइड क्रीड़ा शुल्क इस तरह से। ये बात ध्यान देने की, ये जो राइट वाला फिगर आपका है ये आपका लमसम में टोटल है 2200 आपको लेना है। इसको आप शब्दों में और अंकों में दोनों लिखेंगे। इसी को यहाँ पर आपका डिजिट में लिखा जाएगा। अब इसके लास्ट में यहाँ पर तारीख लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भी आप हमें स्टूडेंट से पैसा लेना है, इसलिए ये तारीख आपको मेंशन करनी जरूरी है कि आपने उस स्टूडेंट को किस दिन यहाँ पर एडमिशन दिया है। यही तारीख इसमें यहां पर आ जाएगी। इसमें भी डेट आपके राइट हैंड साइड में डेट होता है, इस तरीके से आप इसमें डेट लिख देंगे। ये भी DDMMYYY के फॉर्मेट में होगी। यहां पर कैपिटल मतलब आपको इस तरीके से डिटेल फिलअप करेगा, तो यहां पर आपके स्टूडेंट का सिग्नेचर आया, स्टाफ के सिग्नेचर यहां पे करने हैं। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। यदि आपने वीडियो पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। इसी तरह के नॉलेजफुल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल ऑफ द बेस्ट।